Hi, welcome and thank you all for being here. I am Gracie. I am very excited to be a part of this event. आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि हम सब यहाँ पर क्यों मिले हैं. We are here to celebrate the launch music of our favorite superstars Motu and Patlu. You know, friends, with the Motu and Patlu in this film, we have their friends like jungle animals and lion too. So now, are you all excited? I am. That's why I would like to invite Anu Aunty on the stage. आंटी, क्या आप हमें इस मूवी के बारे में कुछ बताएंगे? मैंने अगर आपको बता दिया तो मूवी देखने नहीं जाओगे. तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी. What we'll do is we'll play two songs which have been composed by Gulzar sir and Vishal sir. Okay. Written by him and composed by him. So that's all that I'm going to show you. बाकी आपको मूवी का पता करना है. You have to go and watch the film. Done? Okay. First we're going to see the trailer, then we're going to see the songs. Let's have the trailer, please. इन्होंने बनाया मोटू पतलू सॉन्ग. लेट मी टेल यू, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस सॉन्ग. आई होप दिस सॉन्ग गोज लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड एवरीवन लिसन दिस सॉन्ग. वाओ, मोटू पतलू आर सो अमेजिंग. आई एम वेरी एक्साइटेड टू कॉल मोटू पतलू आवर फेवरेट सुपरस्टार्स ऑन द स्टेज एंड विद देम आई वुड लाइक टू इनवाइट Gulzar.
Gulzar sir, you have made many super hit songs for the kids. So we all want to know that which was your favorite song when you were a kid? This is a question out of the textbook. You should ask me from the textbook. This is out of the textbook. Okay, because so when tell I was us a child, I used to only hear songs like you are hearing it now. Okay, so tell us which is your favorite song till now you have made for the kids. Dum Dum Dum. Okay. My second question is to Vishal sir. Which is your favorite food? Our superstars Motu and Patlu's favorite food is samosa. So which is yours? Of course samosa. Samosa sabse bade jo Motu ko pasand hai wahi mujhe pasand hai. Thank you so much sir. Now my question is to all three of you, that what is the message you will give to all of us? October 14 को ये फिल्म रिलीज हो रही है, सबको देखनी ज़रूरी है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है और सब बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, बच्चों के साथ जो बच्चों को बड़े लेके जाएंगे उनको भी मज़ा आएगा. I want children to take me. बच्चे बड़ों को लेकर जाएंगे, बड़े नहीं छोटों को लेकर जाएंगे, बच्चों की फिल्म है, बच्चे बड़ों को लेकर जाएंगे. Okay, so now everyone will take their parents and watch and go Motu Patlu for sure in the cinema on 14th October. So thank you so much sir and ma'am for answering the questions. Now it's media time for you. The okay. Media can ask you the questions. Media sawal pooch sakta hai. Yeah, tell. जरूरत नहीं है सोफे की, ऐसे ही खड़े होकर बात कर लेंगे. Please sit.
मीडिया नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस. गुलजार साहब, विशाल जी, प्रशांत जी आपके दाहिनी ओर जी. वो पीछे की लाइट्स कम कर सकते हैं थोड़ी सी, बिल्कुल आंख पे लगती है, कांट सी एनीबॉडी, वो भी और ये भी दोनों. हाँ अभी जी, आप और विशाल का जो बचपन की चीजों से, छोटी मोटी बारीक चीजों से जो नाता है वो पुराना है. मोटू पतलू जो है ये एसोसिएशन को कहाँ लेके जा रहा है और क्या कुछ हमें नजर आने वाला है, अगर गुलजार साहब आपके शब्दों में जानना चाहें. क्या बताना विशाल जवाब दे देंगे इस बात का. एक्चुअली बच्चों के लिए हमेशा गाना करते हुए बहुत मजा आता है. गुलजार साहब लिखते हैं तो मुझे लगता है गुलजार साहब सबसे ग्रोन अप हैं, पर सबसे छोटे बच्चे गुलजार साहब में लिखने में. जो बच्चों के साथ उनके लिरिक्स कनेक्ट होते हैं वो उसका जवाब ही नहीं. और मोटू पतलू से तो मेरे बचपन का बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोटपोट पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं. तो डॉक्टर झटका और घसीटा राम, मोटू पतलू, ये सब कैरेक्टर के साथ हम लोग बड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा एसोसिएशन लग रहा है. हम गुलजार अंकल, माय नेम इज अरीना उस्मानी सैफुल्ला एंड आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, दैट व्हिच इज योर बेस्ट फ्रेंड. माय बेस्ट फ्रेंड, नथिंग बेटर देन, नोबडी बेटर देन यू. यू आर माय बेस्ट फ्रेंड. थैंक यू. गुलजार साहब, आपके दाहिनी ओर दोबारा से. ये जो किरदार है मोटू और पतलू, बड़े आसान जो हैं वो बहुत वक्त से हमारे जहन में रहे हैं. आप कैसे इन दोनों को देखते हैं, या एक वक्त था जब बड़ा स्वस्थ मनोरंजन हमें दिखाई देता था कॉमिक्स में? नहीं, बड़े दोनों से बड़ी पुरानी वाकफियत है. मेरी क्लास में भी मोटू थे, मेरे क्लास में दुबलू भी थे, पतले भी, और मेरे मोहल्ले में भी मोटू थे. सिर्फ ये है कि हमने मोटू का मजाक कभी नहीं किया, लेकिन मोटू हमारे साथ बहुत मजाक करता था. हमने कभी उसके साथ मजाक नहीं किया, पर वो मोटू बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े खुशदिल इंसान होते हैं. आप देखिए, जितने जितने मोटे लोग मिलेंगे आपको, वो बड़े खुशदिल लोग होते हैं, मजाक बहुत करते हैं, लतीफ़े बहुत सुनाते हैं. तो बल्कि सबको मेरा ख्याल है ज़रा सा खाना पीना अच्छी तरह चाहिए ताकि मोटे हो जाएं. आपका सबसे पसंदीदा किरदार इनके अलावा अगर देखा जाए, चाहे कॉमिक्स में या इस तरह कोई एक पसंदीदा चरित्र या किरदार, क्या किया जाए? पसंदीदा कोई किरदार आपका जो ऐसे कॉमिक कैरेक्टर जो आपका बहुत पसंदीदा हो? देखो, मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ अभी, इस वक्त लिए बड़े बड़े सवाल मत पूछो मुझसे, बच्चों वाले सवाल पूछो, क्योंकि मेरी उम्र उतनी है, इसके बराबर है. नमस्ते गुलजार सर. हाय विशाल सर. Gulzar sir, when I met you at your home, you told me what Vishal means to you. He's like a son. And today, you both of you are together, so I would like to ask this question to both of you. How do you think your art gets enhanced when you associate with... So Vishal, if you associate with Gulzar sir, or Gulzar sir when you associate with Vishal? No, these are not the questions to be asked here. There is a relevant thing. We are here for a small little interesting point, interesting program with children. How do we relate to our arts is to be asked somewhere in a senior meeting. Now, let's be relevant to what we are doing here. Anna? Right. That's important. So, how did it help working on this particular project for kids? We enjoyed, both of us. First of all, my mental age is not much, but I find him junior than me. ये तो और भी कम है. इसको तो बल्कि गुदगुदी करके इसको हंसाना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है, फिर इसको हंसता रहता है तो फिर चुप कराना मुश्किल हो जाता है. तो we get into that age group ourselves. विशाल, आपको भी ऐसे लगता है? Of course, you know, बच्चों के लिए काम करने के लिए बच्चों से भी छोटा होना पड़ता है. Thank you.
विशाल साहब नमस्कार, गुलजार साहब नमस्कार जी, नमस्कार। मायापुरी से हूँ सर मैं, श्याम शर्मा। विशाल जी से पूछना था, विशाल जी जब भी आप बच्चों के लिए कुछ भी किया और गुलजार साहब ने जो भी लिखा आपने ऐसा बनाया है, उसको ऐसा कंपोज किया कि बच्चे बच्चे की जवान पे चढ़ा है वो, चाहे वो कोई भी हो। और ये भी जो बनाया था मोटू पतलू के लिए गुलजार साहब ने, वो भी कमाल है, जरे छोटे छोटे बच्चे मतलब उसको गुनगुनाते हैं। तो इसके लिए क्या मतलब क्या रिसर्च करते हैं आप, किस तरह से बच्चों की मेंटेलिटी कैसे देखते हैं वो बच्चों के साथ? गुलजार साहब से बच्चों के साथ रिलेट करने के लिए आपको यू नो उतना ही बच्चा बनना पड़ता है, नहीं तो उनके साथ रिलेट नहीं हो सकता है। और जो गाना वो मोटू पतलू की जोड़ी है वो संदेश ने बनाया, मेरे ख्याल से संदेश सांडलिया का गाना है वो, उन्होंने कंपोज किया है और बहुत ही अच्छा कंपोज किया। मेरे गुरु भाई भी हैं वो संदेश, उन्होंने वो गाना बनाया, मैंने ये धम धम धमाके धम किया है। जी माइक ले लीजिए ना, माइक पे बात कीजिए इतना। हेलो, अच्छा मैंने बता दिया सवाल। ठीक है, मैंने सवाल समझ गया आपका। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा था कि इतनी सरल पंक्तियां बच्चों के लिए कैसे बना लेते हैं आप? मैं इसलिए कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो ये कि आपको बच्चों के साथ इंडल्ज करना पड़ता है, उनके साथ खेलना कूदना पड़ता है, और ये आपके अंदर का जो एक बच्चा है उसको जिंदा रखना पड़ता है, और उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसके लिए बस उसके साथ अपने अंदर के बच्चे के साथ अगर आप खेलते रहेंगे तो आपकी उम्र वो हर वक्त रहेगी, और जब भी आप बच्चों के साथ मिलेंगे तो उसी तरह से मिलेंगे। मैं बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ बच्चों के साथ जब भी उनके साथ होता हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मैं आपकी उम्र का हूँ, मुझे उस वक्त मेरी उम्र उन्हीं की तरह हो जाती है। मैं और उसी तरह से बचकाना बातें भी करता हूँ और बचपन की बातें भी करता हूँ। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, thank you what so next? much for being here, and it was a great you know event. But what, sir, yahan pe, sir, hello, jee, sir, jee. Good afternoon, sir. My question is not about Motu Patlu, but it's about you know the army that's fighting at our borders right now. We'd like to know. I just want to know. We have an army that's fighting there. Anything that you want to say about you know about the country and the escalating tension currently? Vishal sir, do you think you are relevant really with the program? Are you relevant with the program for which we have come? Haan ji, आप अगर शादी में जाएं और बात आप फ्रंटियर की करने लगे तो ठीक लगेगा? आपको ठीक लगेगा और फ्रंटियर पे जाएं और यहाँ की बात करेंगे तो ठीक लगेगा? विशाल सर, आपने विल यू टॉक ऑफ मोटू पतलू टू द सोल्जर्स देयर, बी रेलेवेंट टू द ओकेशन। नहीं सर, सर बात नेशनल नेशन की है, इसकी वजह से आप लोगों का रिएक्शन जानना चाहते थे कि सर सबसे लास्ट में। विशाल सर, आपने हैदर में काम भी किया है सैनिकों को, मतलब वहाँ के लोगों को। लास्ट क्वेश्चन गाइस, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुलजार सर, थैंक यू विशाल सर। एक मिनट बच्चे, लास्ट सवाल गुलजार साहब से, लास्ट सवाल। गुलजार साहब, अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 20-25 साल तक विदेशी पात्र है जो, लेकिन मोटू पतलू के लिए आप एक देशी जो पात्र है उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत लेट आया है एनिमेशन हमारे यहाँ, एंड मैं इस ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, क्योंकि हमारे यहाँ एनिमेशन बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हमने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में भी बहुत सारे वर्कशॉप किए थे और जगह जगह डिफरेंट स्टेट्स में भी लेकर गए थे, लेकिन समहाउ हालांकि हमारे यहाँ रंगोली से शुरू हो जाता है हमारे कल्चरली, हमारे यहाँ राजस्थान में जाइए तो एक एक घर पे तस्वीरें बनी होती हैं, हम पूरी रामायण की कहानी इस तरह तस्वीरों में कहते हैं। हमारे यहाँ एनिमेशन बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन देर हुई, खैर देर आयत दुरुस्त आयत, किसी ने तो किया। मैं
अनु जी को मुबारकबाद देता हूँ, केतन जी को मुबारकबाद देता हूँ कि फाइनली ये कोई एक ग्रुप तो आया सामने जो एनिमेशन की फिल्में बना रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक उन्हें। थैंक यू सो मच।